कि डंडा पर बैठे, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी आप? अजलू भाजी। तो डंडा पर क्यों बैठे हो जी? डंडा पर बैठे हैं जी, तमाशा देख रहे हैं। डंडा पर खड़ी हो? हाँ। क्या रहा है विधायक, किसको सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं जी। लड्डू बांटने तैयार है? लड्डू भर भर डम फर लड्डू आएंगे जी। हाँ अभी तैयार कर रखे हम तो लड्डू उनके जी। हाँ मैं एक बात और भी बोलना चाहूँ जी। कहते सरकार या टिकट दे दे कांग्रेस। अच्छा ना देगी जब भी अपने की हम फुल 100% मदद करेंगे और हमारे जैसा एमएलए विधायक बना के लाएंगे। कांग्रेस हाई कमान के लिए चेतावनी कहूँ या फिर मैसेज कहूँ, यहाँ के एक बुजुर्ग ने मैसेज दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि या तो कांग्रेस हाई कमान टिकट इसराइल को दे दे वरना निर्दलीय 2009 की तरह डंके की चोट पर जिता करके लाएंगे। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आज इस चुनावी दंगल को लेकर हम पहुंचे हैं गांव कोट में। दरअसल ये जो कोट गांव है ये मरहूम बाबा जलेब खान साहब का पैतृक गांव है और उनके बेटे आज चुनावी मैदान में हैं चौधरी इसराइल खान साहब। तो चौधरी इसराइल के बारे में यहां की जनता क्या राय देती है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका पैतृक गाँव है और घर से ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैंने आपको लाइव दिखाया है लेकिन यहाँ मैं दूसरे स्टेप पर आया हूँ। यहाँ पर कुछ मेरे साथ बुज़ुर्ग जुड़े हैं, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और काफ़ी सारे नौजवान साथी हैं यहाँ पर। तो ताऊ जी क्या नाम आपका? वहीद है जी मेरा नाम। वहीद नाम आपका। तो इस बार क्या मन है, विधायक कौन होना चाहिए? जय साहब। हमारा जानो पहचानो नेता है, हमारा अपना नेता है जी। इन शाह गाँव में 100% रखेंगे। 100% रखेंगे। तनसु मनसु धनसु जीसु जानसु जय साहब के तन है। और हमने जितनी चर्चा सुनी है जी, सारी ही चर्चा जय साहब की सुनी है हमने जी जी जी। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, अभी एक ही बुजुर्ग से बातचीत की है, जज्बा और जोश बे इंतहा है। उन्होंने कहा कि 100% इस गांव से वोट इसराइल साहब के हक में जाएंगे क्योंकि उनका पैतृक गांव भी है और पूरा हतीन क्षेत्र ये चाहता है कि इसराइल ही यहां से विधायक चुना जाए। अच्छा दादाजी पिछली बार सूत्र बताते हैं कि ये चुनाव जीत रहा था लेकिन इसको किसी कारण जबरदस्ती हरा दिया था, क्या सच्चाई है? वो जी गद्दारी हुई जी हमारी। गद्दारी हुई जी। तो इसलिए जज्बा है इस बार? हाँ बिल्कुल जी, इसीलिए। तो इस बार तो विधायक बना ही दोगे इंशाल्लाह। और मैं तो एक बात और भी बोलना चाहूँ जी। कहते सरकार या टिकट दे दे कांग्रेस। अच्छा ना देगी जब भी अपने की हम फुल 100% मदद करेंगे और हमारे जैसा एमएलए विधायक बना के लाएंगे। कांग्रेस हाई कमान के लिए चेतावनी कहूँ या फिर मैसेज कहूँ, यहाँ के एक बुजुर्ग ने मैसेज दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि या तो कांग्रेस हाई कमान टिकट इसराइल को दे दे वरना निर्दलीय 2009 की तरह डंके की चोट पर जिता करके लाएंगे। मेरी राय तो ये है जी, कांग्रेस टिकट इंशाल्लाह इसराइल को देगी जी। और इसराइल एक ऐसा नेता है जी हमारे हतीन हलका में जो 36 बिरादरी है अपने साथ लेके चले जी। और इंशाल्लाह पहले भी यही काम है उसको और अब भी यही काम रहेगा। ठीक है। और हमारे गांव की जो है 100% ही चौधरी इसराइल की वोट पड़ेंगी। अच्छा। और इंशाल्लाह कामयाब होगी। चलिए ये तो आपने बता दिया कि नेता बहुत अच्छा है और विकास पुरुष है या नहीं है? गांव में कुछ विकास हुआ 2009 के बाद? हमारे पूरे गांव में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां आपको कीचड़ मिलेगी। सारे पक्के करा दिए? पूरे गांव पक्का है। चलिए ठीक है, ये गांव के लोग हैं और बहुत ही खुश हैं इस परिवार से। यार विधायक किसको चुन रहे हो? चौधरी इसराइल साहब। चौधरी इसराइल साहब जी। आपके गांव से इसलिए या फिर कोई खूबी है? नहीं बढ़िया नेता जी, बढ़िया नेता, हल्का अच्छा काम कर। तो आपके इस महल्ले में लगभग कितने प्रतिशत वोट उनको जा रही है? 100% 100% वोट जा रही है इंशाल्लाह। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अरशद भाई आप उनका जो पैतृक गांव है कोट गांव, उस गांव की सर्वे दिखाई, उस गांव में क्या हालात है? चौधरी इसराइल जिंदाबाद। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी इसराइल जिंदाबाद। चौधरी इसराइल जिंदाबाद। चौधरी इसराइल जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नौजवान साथी हैं वो जुड़े हैं, इनकी राय लेना भी बहुत ज़रूरी क्योंकि नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका चुनाव में होती है। तो जी क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब भाई इस बार क्या विचार हैं, कौन विधायक होना चाहिए? चौधरी इसराइल। चौधरी इसराइल जी।
तो कोई विकास कार्य इन्होंने कराया? बढ़िया काम कराया यार, कराएगा भी। चौधरी जलेब का मरूम जी उसका लड़का है। अच्छा, तो बढ़िया विकास होगा और बढ़िया ही कराया। अच्छा, चौधरी जलेब खां के युवा में बढ़िया विकास हुआ था। जी, तो आपको बाबा जलेब खां की याद सता रही है कि भाई 2009 से 2014 तक भरपूर विकास हुआ था? बिल्कुल। लेकिन आप 10 साल से कोई विकास नहीं? कोई नहीं हुआ जब से बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या रहा है भाई साहब, आप क्या आगे जाओ? जय साहब जीते को जी, बहुत ज्यादा 10,000 वोटन। आपको क्या पता? पता है जी, सब पब्लिक उसके साथ में। 36 बिरादरी साथ में वोट दे रहे हैं। साथ में नहीं है, गांव पूरा साथ में है जी, पूरा साथ में, पूरे गांव मोटी से। जय साहब जीते को जी, जय साहब जीतेगा। बढ़िया नेता, जबरदस्त। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको? ना जीतोगे इंशाल्लाह पूरा। हां जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी भाई। मेला मुखी जैसे आपका क्या नाम है जी? जरार है जी। बताइए क्या रहा है, कौन विधायक होना चाहिए? फिलहाल तो जय साहब है जी। जय साहब है जी। अभी विधायक थोड़ी हो, चुन रखा जी हमने, तो विधायक बन जाएगा। फिलहाल तो जय साहब, आगे विचार बदल सकते हैं क्या आप? नहीं नहीं, कोई नहीं, जय साहब ही रहेंगे। जय साहब रहे, एंड तक वही रहेंगे जी। चलिए ठीक है जी भाई, क्या नाम है? मोहम्मद आके। क्या रहा है आपकी? चौधरी इसराइल जीते इंशाल्लाह। चौधरी इसराइल की, किस लिए? बढ़िया आदमी, बढ़िया काम करो। बढ़िया काम करो, बाकी जो चुनाव लड़ो बेकार है। गाँव में ना देखो ना, मन देखो इन कैसो कैसो ना देखो, आज तक ना देखो। अरुणा कर देखो ना, कैसे कल वक्त ना देखो बंद। और अब जैसे एक तो ये भीमसिया बोल रहा, ये तो कोई जीतने वाला नेता ही, ये तो बरसाती मेंढक हैं जी। ये कोई जीत, हाँ ये कोई नेता वेता नहीं, बरसाती मेंढक हैं, वोट बिगाड़ने वाले हैं बस, और कुछ नहीं है। नेता तो एक ही है, बीजेपी की बी टीम है। ये जीतने वाले नेता नहीं है। चलिए, आपके गांव के जो युवा है उनका क्या मन इस बार? सटेट युवा चौधरी इसराइल के साथ, युवा बूढ़े बड़े सब। क्या नाम जनाब आपका? शौकीन। क्या रहा है आपकी? चौधरी इसराइल जीत रहे। चलिए ठीक है। अच्छा भाई, जितने यहां पे खड़े एक साथ बताइए, सारे राजी हैं क्या इसराइल साहब के लिए? सारे राजी हैं। चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक दर्जन बुजुर्गों से बातचीत की है और काफ़ी नौजवानों से उनकी राय ली है, लेकिन यहाँ पे जो राय है वो पूरी की पूरी इसराइल। हाँ सर, अभी कुछ नौजवान है जो कि डंडा पर बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी आप? असलू भाजी। तो डंडा पर क्यों बैठे हो जी? डंडा पर बैठे हैं जी, तमाशा देख रहे हैं। डंडा पे खड़ी हो? हाँ। क्या रहा है, विधायक किसको सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं जी। लड्डू बांटने तैयार है? लड्डू भर भर डम फर लड्डू आएंगे जी। हाँ अभी तैयार कर रखे हम तो लड्डू उनके जी। हाँ किसको वोट जा रहा? जय साहब को। जय साहब को जा रहा, ये तो बच्चे ही है। तो दोस्तों, ये कोट गांव का दूसरा चौक है जहाँ पे मैंने आपको सर्वे दिखाई है। विकास जी बताइए सर, क्या क्या विकास हुआ है? जय साहब ने, वो बाबा ने मिनी सचिवालय बनवाया हतीन में। अच्छा, हॉस्पिटल बनवाई जी। नाम क्या आपका? परवेज है मेरा नाम। परवेज भाई बताइए सर। कॉलेज बनवाया स्वामी का में जी, गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, हतीन में कोर्ट में हॉस्पिटल बनवाई, पुटावड़ हॉस्पिटल, छाईसा में हॉस्पिटल जी। सारे गांवों के रास्ते पक्के कराए, एक दूसरे गांव से कनेक्ट करे जी। बहुत सारे PWD रोड निकाले बाबा ने जी। उस बहुत नौ बच्चों को रोजगार दिया जी। और उसी रोजगार को याद करके जय साहब को चुनना चाहते हैं पूरा हल्का। दोस्तों, ये आपने देखा और सुना, आज इस चुनावी दंगल में हमने कोट गांव की सर्वे की है और दो चौक चौराहे पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में नौजवान और बुज़ुर्ग मिले, उनसे उनकी राय जानी, और उनकी जो राय है वो 100% चौधरी इसराइल साहब के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इनका जज्बा और जुनून इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है जैसे 2014 में देखने को मिला था, जब बाबा जलेब खां साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे, वो भी 10,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत करके आए थे। इस बार जनता का कुछ आरोप प्रत्यारोप भी है कि भाई इसराइल साहब को जब 2019 का चुनाव हुआ था तो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से हराया गया था। ऐसे में हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन सभी का मन ये है कि इस बार इसराइल को ही चुनाव जिताना है। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी इसराइल जिंदाबाद।
तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।